राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिटाणी में आयोजित अंडर 19 आयु वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताओं में कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय हमीरपुर की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। स्कूल पहुंचने पर खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के लिए कोच पूरन चंद कटोस ने सहयोग दिया। बैडमिंटन, बास्केटबॉल व वॉलीबॉल में भी खिलाड़ियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर DPI सुनील कपिल, शारीरिक शिक्षण विक्रमजीत, कबड्डी टीम कप्तान सनी कुमार, पंकज शर्मा, रोहित कुमार, अमित कुमार, शुभम सांख्यान, कमल राज, यश, ईशांत ठाकुर, विशाल गुलेरिया, पवन कुमार, साहिल कुमार व नमन आदि मौजूद रहे। स्कूल प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने बताया कि स्कूल के बच्चों ने मटाणी में कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया और बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके लिए प्रधानाचार्य ने विजेता टीम को बधाई दी। ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटाणी में 1 सितंबर से 3 सितंबर तक सुजानपुर ब्लॉक और हमीरपुर ब्लॉक की ब्लॉक स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बाल स्कूल की कबड्डी की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। मैं इसके लिए इन सभी विद्यार्थियों को, सभी अध्यापकों को, बच्चों के अभिभावकों को, SMC मेंबर्स को और मेनली जो हमारी कबड्डी को टीम के कोच हैं श्री पूरन चंद कटोच जी, हमारे जो सुनील कपिल DPG हैं, हमारे विक्रमजीत PT जी हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये हमारे लिए बड़े ही उपलब्धि, बड़े ही खुशी की बात है कि हमारा विद्यालय 4 सालों से इस कबड्डी की ट्रॉफी पर जो है वो अपना दबदबा हमारे बच्चों ने कायम किया हुआ है। और इस बार भी हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई है। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि खेलें जो हैं वो छात्र के जीवन का अभिन्न अंग होती हैं। खेलों में भाग लेने से जो है वो बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। टीम में वर्क करने से बच्चे की सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें बच्चे में नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों की डेवलपमेंट भी होती है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, पूरी टीम को, और आगे के लिए भी बेस्ट विशेस देती हूँ कि हमारे विद्यालय हर वर्ष की तरह जो है वो स्टेट में भी अपना दबदबा कायम रखे। धन्यवाद। वहीं खिलाड़ियों ने बताया कि मटाणी में आयोजित अंडर 19 आयु वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी में उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और प्रथम स्थान हासिल किया और कबड्डी प्रतियोगिता में ट्रॉफी अपने नाम की। स्तरीय टूर्नामेंट 3 से 4 दिन तक चला, जिसमें हमारे साथ खिलाड़ी कबड्डी के और हमने अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ और एक भी मैच नहीं हारा। हमारा सेमीफाइनल मैच हिम अकेडमी के साथ पड़ा और उसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे 5 पॉइंट से जीत हासिल की। और फाइनल मैच में हमने चोरी से हमारा मैच पड़ा और उसमें हमने 20 पॉइंट से हासिल जीत। हमारे 8 खिलाड़ी इस सिलेक्शन में।